शहर के गढ़ी थोरियान हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर संख्या 7 में एक कॉर्नर पर स्थित आवासन मंडल के एक खाली भूखंड पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लेने संबंधी मामले में प्रशासन ने पहल की है। सोमवार को जय स्काई न्यूज चैनल पर प्रसारित खबर पर संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने बुधवार शाम को विवादित स्थल का मौका मुआयना किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह, डिप्टी मनीष चौधरी, तहसीलदार मोहन सिंह राजावत, नगर परिषद एक्सीएन सुनील यादव, नया नगर पटवारी सुरेश चौधरी तथा आवासन मंडल के सुपरवाइजर भंवर सिंह मौके पर पहुंचे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मौका मुआयना करते हुए विवाद स्थल का सीमा ज्ञान पर चर्चा की। जानकारी मिली है कि जिस स्थान पर धर्म स्थल की आड़ में अतिक्रमण किया गया है, उक्त जमीन नगर परिषद के स्वामित्व में आती है। इस पर अधिकारियों ने इसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाने के बाद ही अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वाले संबंधित व्यक्ति को भी मौके पर बुलाया तथा उसे अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया। साथ ही ऐसा नहीं करने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई। मालूम हो कि शहर के गढ़ी थोरियान हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर संख्या 7 में एक कॉर्नर पर स्थित आवासन मंडल के खाली भूखंड पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लेने को लेकर रविवार को क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया था। उक्त खबर को जय स्काई चैनल ने सोमवार को अपने बुलेटिन में प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए बुधवार शाम को उक्त स्थल का मौका मुआयना किया। न्यू गढ़ी थोरियान हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 7 से कंप्लेन आई थी कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा या किसी समाज द्वारा वहाँ पे कोई मंदिर संचालित किया जा रहा है। तो उससे हमने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जो AN है उनसे रिपोर्ट मंगाई थी। तो उसके अनुसार हम एक बार मौका देख के आए थे। वहाँ पे जो कंसर्न पार्टी है उनको बुलाया था, नगर परिषद, तहसील, पुलिस, डिप्टी SP, IPS मनीष और मैं मौके पे थे। और अभी इंस्ट्रक्ट कर दिया है तहसील और नगर परिषद को कि अपने स्तर पे कार्रवाई कर ले। और उस व्यक्ति विशेष को भी ये बोल दिया गया है कि आप अपने द्वारा ये हटा लीजिए। अतः हमें नियम अनुसार इसमें कार्रवाई करनी चाहिए।